हम लोग पहले जान चुके थे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले चुके थे। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है सिक्स टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? सिक्स टाइप्स का। और उसको हम एक एक करके उसका प्रॉपर्टी और उसके बारे में जो उसका फिगर है, फिगर के साथ प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं। जैसे कि पहला हम लोग बता रहे हैं, हम यहाँ पे स्क्वायर, पहला क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है उसको जानेंगे। दूसरा बता रहे हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो पहला है स्क्वायर। स्क्वायर भी एक फोर, देखो फोर साइड है इसमें, यह भी एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, इसमें भी दो डायगोनल्स है। और स्क्वायर के बारे में हम लोग पहले क्लास में जान चुके हैं क्या होता है स्क्वायर। स्क्वायर इज ए प्लेन फिगर, इट हैज टू डायमेंशन, वन इज लेंथ एंड अनदर इज ब्रेथ। बट स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। स्क्वायर के बारे में क्या जानकारी हमको लेना है कि स्क्वायर में फोर साइड्स है, फोर एंगल्स है और ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ईच एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। उसी तरह इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों डायगोनल्स भी लेंथ में इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू डी बी। और एक प्रॉपर्टी है कि ए सी और डी बी जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। कैसे बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ बाय 90 डिग्री, बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इसको, यहाँ पे 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करता, 90 डिग्री बनाते हुए। सो हम यू कैन राइट ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। क्यों? क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है ये दोनों आपस में। यदि ये 10 है और ये भी 10 ही होगा तो दोनों 5-5 हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा। और इस तरह से इसका प्रॉपर्टी खत्म हो गया, यानी कि ये इसका प्रॉपर्टी हो गया स्क्वायर। तो जैसे कि हम बताएं कि स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं, रेक्टेंगल का भी बता रहे हैं। रेक्टेंगल में चार साइड है, चार साइड में चारों इक्वल नहीं होते स्क्वायर के तरह। इसमें आमने सामने साइड जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल, जो कि आगे आप लोग काम देगा। पैरेलल क्या होता है आप लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ए बी बराबर डी सी होगा। देखिए हम लिखे हैं ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, यानी कि आमने सामने साइड इक्वल होता है। और क्या होता है? चारों साइड जो होता है इक्वल नहीं होता है, चारों एंगल्स इक्वल होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी, चारों इक्वल है और चारों 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें भी दो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी। डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है और स्क्वायर में अंतर क्या है? इसके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। हालांकि ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसमें भी ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी लिख सकते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में आमने सामने यानी कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी होता है, पैरेलल भी होता है। ऑपोजिट मीन्स बोले तो ये सामने ये सामने ये सामने ये सामने, यानी कि ए बी पैरेलल, ये जो ए बी है ये डी सी पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। उसी तरह बी सी पैरेलल ये डी ए और इक्वल भी होगा। और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ऑपोजिट एंगल्स बोले तो ए एंगल सी एंगल इक्वल होगा, बी एंगल डी एंगल इक्वल होगा। ठीक, तीसरा है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि जो डायगोनल है ए सी और बी डी ये इक्वल नहीं होता है। इसमें हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल में पढ़े इक्वल होता है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होता। और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल, लगातार एंगल को, ये देखिए एंगल ए प्लस बी 180 होगा, एंगल बी प्लस सी 180 होगा, सी प्लस डी 180 होगा, डी प्लस ए 180 होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दिए ए प्लस बी 180, यानी सब 180 होगा, दैट इज सप्लीमेंट्री। कोई भी दो एंगल को लेंगे तो 180 होगा। तो ये था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि एट ओ, एट ए पॉइंट ओ, एक पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। तो इस तरह से नेक्स्ट और थ्री पार्ट्स है,
थ्री टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी इसको सीखिए आप लोग।